CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में। नमस्कार मित्रों, मैं नरेश कोहली NCERT के भाषा शिक्षा विभाग से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, आज हम लोग NCERT की 8वीं के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3, उसमें संकलित एक कहानी कामतानाथ की कहानी है, वो लाख की चूड़ियाँ, जो कि आपका पाठ नंबर 2 है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कहानी हम सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहानी कहना और कहानी बुनना, कहानी के बारे में समझना जितना आसान लगता है, कई बार वो थोड़ा सा लगता है कि हम उसको ज़्यादा सहज ले लेते हैं, तो चीज़ों को जिस अर्थ में हमें ग्रहण करना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए थोड़ी सी आज हमारी कोशिश होगी कि इस कहानी को बच्चों के साथ हम लोग साझा करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, और शिक्षकों से भी कुछ बिंदु इस बात में उभर के आ सकते हैं, वो भी हमारे ध्यान में है कि क्या क्या बातचीत हो सकती है बच्चों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी का जो मूल विषय है और जो कहानी का आनंद है वो दोनों ही आप तक पहुँचे। जैसा कि मैंने बताया कि कामतानाथ की लिखी हुई कहानी है ये लाख की चूड़ियाँ, तो सबसे पहली जो जिज्ञासा बनती है वो यही बनती है कि चूड़ियाँ तो हमने बहुत सुनी है कि भाई कांच की चूड़ियाँ सुनी हैं, सोने चांदी की भी सुनी हैं, लेकिन लाख की चूड़ियाँ खास संदर्भ में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों में, या जैसे कि किसी भी विवाह के, शादी ब्याह के अवसर पर इस तरह की चूड़ियों का विशेष उपयोग होता है, और हम लोग देखते हैं कि लाख की चूड़ियाँ खास अवसरों पे भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लाख की चूड़ियाँ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थी, और उसको बनाने वाले जो कारीगर थे वो भी हमारे दैनिक जीवन में सामान्य रूप में विद्यमान रहते थे, सामान्य रूप में पाए जाते थे। ये कहानी भी हमें लाख की उन चूड़ियों की कहानी बताती है जो कि आजकल प्रचलन में कम हो गई हैं, यद्यपि एक नए रूप में वो फिर से आ रही हैं, लेकिन ये कहानी अगर हम कहें कि 70-80 के दशक के आसपास, आज से लगभग 50 साल पहले या उसके बाद, जब गांव में कारीगर लाख की चूड़ियां बनाते थे, उसके बारे में है कि किस तरह से लाख की चूड़ियां बनती थी, कैसे वो कारीगर बनाते थे, क्या गांव वालों का लगाव होता था, और उसके साथ साथ बच्चों का भी उनसे क्या जुड़ाव होता था, ये सब इस कहानी में हम लोग देखेंगे। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, एक तो जो कहानी कह रहा है वो, जो कि अपने आप को कह रहा है कि मैं गांव में गया, या दूसरा जो इसका मुख्य पात्र है जो लाख की चूड़ियां बनाता है, वो बदलू चूड़ी वाला है जो चूड़ियां बनाता है। लेखक इसमें मैं शैली में ये पूरी कहानी कहता है कि जैसे हम भी, आप भी, जब भी अपनी कोई कहानी कहना चाहें, अपनी बात कहना चाहें, कि चाहे वो मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में, इस कहानी को हम लोग एक कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक संस्मरण की तरह भी। जैसे इसमें जो मुख्य पात्र है, मैं जो बार बार कह रहा है, या कहानीकार है, वो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता है, और उसके मामा का जो है वो गांव है, गांव में वो उस चूड़ी वाले से मिलता है जो कि लाख की चूड़ियां बनाता है, मनिहार है जो, उसका नाम बदलू काका है, और बदलू काका अपने गांव में सबसे सुंदर लाख की चूड़ियां बनाते हैं, और ना केवल गांव में बल्कि आस पड़ोस में भी वो बहुत ही चर्चित और बहुत प्रसिद्ध कहना चाहिए कि कारीगर है जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं। मेरी एक साथियों आपसे ये भी है कि हम लोग लाख की चूड़ियां बार बार कहते हैं, मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे एक सवाल अपने मन में किए आया कि कई बार हम लोग यही नहीं जानते कि लाख होता क्या है।
तो आप लोगों को थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए तब आप इसका और आनंद ले पाएंगे कि लाख एक तरह का कहिए कि प्राकृतिक पदार्थ है, जो कि एक लाख का कीड़ा होता है, जो जैसे रेशम का कीड़ा होता है, और वो पेड़ पौधों पे लग के उसका धीरे धीरे जो लाख उससे उत्पन्न होता है वो उसको फिर प्रोसेसिंग में या कहिए कि संशोधन करके पेड़ों से उतार के फैक्ट्री में ले जाके या छोटे मोटे उद्योगों में ले जाके उसको बनाया जाता है, और वो प्राकृतिक पदार्थ की तरह होता है। लगभग आप जैसे इसको समझिए जैसे रेशम का कीड़ा रेशम देता है, वैसे ही ये लाख का कीड़ा हमें लाख का पदार्थ देता है, और लगभग मोम लगभग जो गोंद होता है उसकी तरह की कुछ चीज है, और उसको ब्राउनिश भूरे रंग का ये पदार्थ है, और इसमें कई चीजों में इस्तेमाल होता है, ये चूड़ियां उससे बनाई जाती है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, नेल पॉलिश में जो शाइनिंग आप देखते हैं, या और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि लाख की चूड़ियां अपने क्या अर्थ रखती हैं आज के समय में। मैं कह रहा था चूड़ियों से ही, जब हम चूड़ियों की बात करते तो विद्यार्थी जीवन में या बाद में भी आपको एक कहानी और कविता कहना चाहिए, कहानी नहीं, कि नागार्जुन की एक कविता है गुलाबी चूड़ियां, कि नन्हे हाथों की गुलाबी चूड़ियां जो हैं वो मुझे अक्सर याद आती है, और ये कहानी पढ़ते भी वो मुझे याद आई कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों की जो गुलाबी चूड़ियां हैं वो भी याद आई। चूड़ियां लाख की हैं, और उसको बनाता कौन है, वो बदलू काका बनाते हैं। ये कहते हैं कि जब भी मैं, लेखक कहता है कि मैं जब भी गांव में जाता था गर्मी की छुट्टियों में, वो उसके मामा का गांव है, और उस गांव में जो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगता था वो बदलू काका थे। बदलू काका क्या करते थे, वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, और मेरा उनसे विशेष लगाव का एक कारण ये था कि लाख की चूड़ियां बनाने के साथ साथ वो मुझे लाख की छोटी छोटी गोलियां देते थे, रंग बिरंगी गोलियां बना के देते थे, जो लाख बच जाता था उससे वो छोटी छोटी गोलियां देते हैं, और हम सब जानते हैं बच्चों को जो रंग बिरंगी गोलियां होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। लेखक को भी लगभग वैसा ही है, उसको वो रंग बिरंगी गोलियां बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ पे एक बात और लेखक कहता है कि मैं जो बदलू काका वो कहते हैं उसको, मूलतः तो वो उनके एक तरह कहना चाहिए कि बदलू मामा कहना चाहिए उनका, क्योंकि उनके मामा के गांव का है, लेकिन वो उनको बदलू काका कहते हैं। और इसका कारण क्या है कि ये बच्चों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, आदत होती है कि हम सब जो बच्चे होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को जब देखते हैं आस पड़ोस में जो जिस नाम से बुलाते हैं बच्चे भी उसी नाम से बुलाने लगते हैं। जैसे कई बार हम लोग दादी को माँ कहने लगते हैं, माँ को देख के, या बड़ी अम्मा कहने लगते हैं, तो ये गांव के बच्चे, क्योंकि ये तो मामा कहता है लेकिन क्योंकि गांव के बच्चे उसको बदलू काका कहते हैं, तो ये भी बदलू काका कहने लगता है और लगातार उनके यहाँ जाता है। फिर कहानी में लेखक कहता है कि बदलू काका जहाँ पे काम करते थे वो थोड़ा सा गांव का जो एक थोड़ा ऊंचा हिस्सा था उस पे उनका मकान था, और मकान में बहुत बड़ा एक आंगन था, आंगन में एक नीम का पेड़ था, और उस नीम के पेड़ के पास एक भट्टी थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे, और उस भट्टी के पास एक कहना चाहिए कि तिपाई या चौखट के सॉरी कि लकड़ी की एक सूतलियों से बनी हुई चौकी कहिए आप उसको, मचिया जिसको कहा गया है, मचिया पे बैठ के वो अपने काम को करते थे और चूड़ियां बनाते थे। चूड़ियां बनाने का प्रोसेस क्या था, उसकी प्रक्रिया क्या थी, कि वो उसको पिघलाते थे और फिर उसको आकार देते थे, और उस आकार को एक पतले जब वो चूड़ी के साइज का बन जाता था तो उसको बेलन नुमा जो मुंगेरियां कहा गया है उसको, कि मुंगेरियां एक लकड़ी का वो एक बेलन नुमा छड़ जैसा होता है, और उस पर वो चूड़ियों को चढ़ाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो गोल और एकदम चिकनी बन जाती है तो उस पर रंग करते हैं। जब बदलू काका चूड़ियां बना रहे होते थे तो लेखक भी वहां पहुंच जाता था, ये अपन जो कहानी कह रहा है, और कहते हैं कि मेरा अधिकतर समय दोपहर का वहीं बीतता था, और मैं वहीं पे दूसरी मछिया पे बैठ के ये सब देखता रहता था,
एक यहाँ पे जरूर हमें बड़ा रोचक वाक्य है वो जरूर जानना चाहिए कि इस कहानी में जो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा कि जब वो एक जोड़ा दो जोड़ा बन जाते थे, चार छह जोड़े बन जाते थे, तो वो बदलू काका उनको एक उस बेलन पे चढ़ा के जब देखते थे, वो देखने वाली वो लाइन हमारे लिए बड़ी रोचक है। और वो लाइन क्या है कि जब पूरा जोड़ा बना लेने पर, पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधु की कलाई हो। देखिए लेखक बीच बीच में बड़े सुंदर वाक्यों का इस्तेमाल करता है कि कहानी में ये भी कह सकता है वह चूड़ी बन गई, लेकिन उन चूड़ियों को बेलन नुमा उस पे चढ़ा के वो बेलन नहीं लगता मानो किसी नए शादीशुदा जो महिला है उनकी नव वधु है उसके हाथों में वो चूड़ियां हो मानो उसकी वो कलाइयां, अर्थात वो अपनी कला पे अपने उस पे एक तरह कहना चाहिए उसको नाज है कि उसने इतनी सुंदर चूड़ियां बनाई है। अब कहानी में आगे थोड़ा सा लेखक और बताता है कि बदलू मनियार क्या थे और वो क्योंकि उनका पैतृक व्यवसाय था, पैतृक पेशा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये काम करते आते हैं। और एक खास बात और वो बताते हैं कि बदलू काका इन चूड़ियों बनाने के बदले में किसी के लिए भी जब वो चूड़ियां बनाते थे तो वो उसके बदले में पैसा नहीं लेते थे बल्कि वो वस्तु विनिमय के तरीके से अपना कार्य व्यापार करते थे। ये जानना जरूरी है कि वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय का आशय यहाँ पे ये है कि गांव में थोड़ा पुराने समय में सामान्यतः होता यही था कि हम एक चीज देते थे, मान लीजिए आपने अनाज दिया बदले में आपने चूड़ियां ले ली, आपने अनाज दिया बदले में आपने मटके ले लिए। तो ये जो आदान प्रदान होता था उसमें पैसे का नगद मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था, चीजें आपस में अदला बदली की जाती थी। और बदलू वैसे किसी से कभी पैसे नहीं मांगता था, जिसने जो दे दिया वो रख लिया। लेकिन एक बड़ी रोचक बात कहानीकार ये कहता था कि बदलू वैसे कुछ नहीं कहता था लेकिन जब किसी के यहाँ शादी ब्याह का कोई अवसर होता था, विवाह का कोई अवसर होता था, तो वो मानो एक तरह से जिद पकड़ लेता था और फिर जैसा वो चाहता था अच्छा खासा उसको कहना चाहिए कि सामग्री मिलती थी, कपड़े मिलते थे और थोड़ा बहुत जो अनाज था रुपए भी मिलते थे वो सब मिलता था। और शादी के अवसर पर कोई भी उसको नाराज नहीं करना चाहता था। लेखक बताता है कि एक बार जब वो गांव में गया हुआ था तो थोड़ा सा किसी बात पे वो नाराज हो गया तो उसको मनाने में कहता है कि मानो लोहे लग गए। ये देखिए कहानीकार कामतानाथ की भी ये खूबी है और आप ये प्रेमचंद की कहानियों में भी देखेंगे या कोई भी अच्छा रचनाकार धीरे धीरे अपनी जब भाषा में खूबसूरती पैदा करने के लिए कहीं पे वो मुहावरों का इस्तेमाल करता है, कहीं पे वो तुलना करता है, जैसे मैंने बताया था अभी कि वो नव वधु की मानो कलाइयां हो, और यहाँ पे वो कह रहा है कि जैसे उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी लोहे चबाने वाला एक मुहावरा एक तरह से है कि बहुत कठिनाई से वो मानता था और सब कुछ उसको मिलता था, ये उसका काम करने का तरीका था। लेकिन असली सवाल अब थोड़ा सा धीरे धीरे कहानीकार उस बात की ओर इशारा करता है मित्रों, जब वो कहता था कि बदलू को वैसे तो सब ठीक था लेकिन उसको जो ये कांच की चूड़ियां थी उनसे बड़ी चिढ़ थी। वैसे बहुत सीधा और बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, लेकिन उसे कांच की चूड़ियों से कहीं ना कहीं चिढ़ थी और वो अंदर अंदर इस बात को लेकर कुड़ता रहता था, अर्थात थोड़ा परेशान था, गुस्से में था। और जब किसी महिला को वो देखता था कि भाई उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ दो चार बातें सुना भी देता था। फिर देखिएगा कि कहना दो चार बातें सुना देना, अर्थात कुछ ना कुछ वो टोका टिप्पणी कर देता था। जब लेखक उनको चूड़ी बनाते हुए देखता था तो कहता था कि मैं घंटों वहां बैठा रहता था और इस दौरान लेखक तो देखता ही रहता था उसके बारे में कि कैसे चूड़ी बन रही है, कैसे कार्य कर रहे हैं बदलू काका। लेकिन बदलू काका भी उसके बारे में पूछते थे, और भाई तुम शहर में क्या करते हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारा रहन सहन क्या है, कैसा है। तो वो कहता कि उसी संदर्भ में वो कहते हैं जब वो कांच की चूड़ियों की बात आती है तो कहते हैं बदलू काका शहर में तो सभी लोग महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा मजेदार है और थोड़ा सा कहानीकार ने उसमें हास्य और व्यंग्य का पुट दिया है
और वो कहता है कि ये भी वाक्य थोड़ा रोचक है, इसको देखना चाहिए, कि हाँ बदलू काका कहते हैं शहर की बात है, शहर की बात तो और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। देखिए कि जो बदलू काका का हाश्य व्यंग का अंदाज है वो भी थोड़ा मीठा मीठा सा देखिए चुभन वाला, और उसमें आपको देखेंगे कि वो कहता है कि शहर के बारे में उनकी एक राय है कि वहाँ सब कुछ चलता है और महिलाएं घूमती हैं जैसे भी वो कह रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं और अगर वो चूड़ कह रहे हैं कि लाख थोड़ा भारी होता है और अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच ना आ जाए, तो ये वो व्यंग्य करते हैं हल्का सा। इसी दौरान लेखक ये भी कहता है कि जब मैं बदलू काका के यहाँ बैठा होता था तो वो मुझे बहुत कुछ खाने पीने को, जिसको कहते हैं कि मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते थे, और जब उनके यहाँ एक गाय भी थी, जब गाय के दूध होता था तो वो मुझे अच्छी खासी मलाई खाने को देते थे, और सबसे बड़ा कारण मेरा यही था, बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ ना डेली प्रतिदिन एक या दो गोली, दो चार गोली जरूर मिलती थी लाख की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और वो कहता है कि ये क्रम लगभग हर साल चलता रहता है, मैं हर गर्मी की छुट्टियों में जाता हूँ, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की बदली दूर किसी शहर में हो गई और मैं 8-10 साल तक फिर वहाँ जा नहीं पाया, और 8-10 साल बाद जब वो वापस गर्मी की छुट्टियों में जाता है तो वहाँ वो देखता है कि भाई धीरे धीरे उसको वो भूलने लगा और गाँव में जाके भी उसको बदलू काका की याद नहीं आती, लेकिन उसके मामा की एक लड़की है और ये कह रहे हैं कि कहानीकार का कि वो बरसात के दिन थे, वो गिर जाती है और जब गिर जाती है तो वो जो उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई है बच्ची ने, तो वो टूट के उसकी कलाई में लग जाती हैं, और कलाई में लग जाती हैं तो खून आता है और फिर वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं। इसी दौरान जब वो कांच की चूड़ियों की बात करते हैं तो उसे बदलू काका याद आते हैं और फिर वो सोचते हैं कि आज शाम में बदलू काका से मिला जाए, और वो शाम में घूमते फिरते बदलू काका के यहाँ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पे लेटे हुए हैं और जाके वो कहते हैं कि नमस्ते करते हैं, बदलू काका भी उनको नमस्ते करते हैं, और वो देखते हैं कि बदलू काका शायद उनको पहचान नहीं पा रहे, तभी वो कहते हैं कि अरे काका मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ, मैं कौन भाई, मैं कहते हैं मैं जनार्दन हूँ, आपसे बचपन में जो लाख की गोलियां बना के बनवा कर लेके जाता था मैं। हाँ अच्छा अच्छा, तब उसको याद आता अचानक। एक बड़ा सुंदर वाक्य कहानीकार ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो भी देखना चाहिए कि ये भाषा की खूबसूरती है, जब हम कहानी कहते हैं सुनते हैं, खास तौर से जब हम पढ़ते हैं, कहने सुनने में तो जो कहानी कहने वाला होता है उसका अंदाज, बातचीत का उतार चढ़ाव, हाव भाव, खास तौर से उसकी आवाज़ का जो अंदाज है, कहने का अंदाज है, वो कहानी में रंग भरता है, लेकिन जब हम कहानी, लिखी हुई कहानी को पढ़ते हैं तो वो कहानीकार उसमें शब्दावली भी एक देखता है कि वो सुंदर शब्दावली इस्तेमाल होती है, और वो शब्दावली देखी कह रहे हैं कि जब उनको याद नहीं आ रहा तो कैसा लग रहा है कि मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। देखिए ये है अपने बदलू काका अपनी यादों के जो पटल पे जो बीत गया है, जो अतीत है, उसके उसकी तस्वीर उतार रहा है, उसको ऐसा लगता है वो याद करने की कोशिश कर रहा है, और जब याद आ जाता है तो फिर वो कहते हैं हाँ हाँ बैठो, उसके लिए वो एक फिर से मचिया लेके आते हैं और वो बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके आसपास ना तो वो भट्टी है और ना ही वो जो जिसपे बदलू काका बैठ के बनाते थे वो लाख की चूड़िया, ना वो मचिया है। तो वो पूछते हैं कि क्या काका आपने काम बंद कर दिया? अब थोड़ा सा यहाँ पे पहली बार उसकी चिंताएं हमें दिखाई देती हैं कि हाँ काम तो, बदलू काका कहते हैं हाँ काम तो कई साल हो गए अब बंद हो गया है, और वैसे भी अब गांव में मेरी चूड़ियों को पूछता ही कौन है, क्योंकि गांव में क्या है कि अब पूरे गांव में कांच का प्रचार हो गया है और सब लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। एक सवाल जो इस कहानी का मेन कहना चाहिए कि केंद्र बिंदु है, वो जो है वो यहाँ पे पहली बार उभर के आता है, और वो कहते हैं कि
पहले हाथ से काम होता था और अब मशीनों से काम होता है, इसीलिए हाथ से काम करने वाले बेरोजगार होते जा रहे हैं और मशीनी युग आने से वो पूरा का पूरा उस कामकाज पे मशीनों का प्रभाव आ गया। कह रहा है कि हाँ मशीन युग है लल्ला, अब तो सब काम मशीन से होते हैं, चाहे चूड़ी बनाने का हो चाहे खेत जोतने का हो, सब कुछ मशीन से होता है। और फिर कांच की चूड़ियां होती भी तो बहुत सुंदर हैं, तो ऐसे में लाख का ये सब कम, लाख की चूड़ियों पे काम करना कहाँ संभव रह जाता है। वो मशीनी युग के आने से जो हमारे कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग, जो घरेलू उद्योग, जो एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उसकी चिंता जाहिर करता है। और लेखक कहता भी है कि हाँ काका, वैसे कांच होता भी खतरनाक है और जल्दी टूट जाता है। इसी दौरान एक चीज और लेखक रेखांकित करता है, वो देखता है कि उसको काका को, बदलू काका को खांसी आ रही है, और उसे लगा कि कहीं इतने लंबे समय तक काका ने काम किया, कहीं उनको दमा तो नहीं हो गया, और शरीर भी उनका लगभग थोड़ा सा ढला हुआ लग रहा है, नसें उभर आई है माथे की हाथों की, वो थोड़ा आयु का उनके ऊपर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बदलू काका देख लेता है कि वो मेरी खांसी को कुछ और समझ रहा है, तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे सामान्य फसली खांसी है जो थोड़े 10-15 दिन में ठीक हो जाती है। खैर वो वाक्य यहाँ पे फिर से लेखक सोचता है, और ये बड़ा मार्मिक वाक्य है, और इस कहानी का कहना चाहिए मुझे तो केंद्रीय बिंदु लगता है। लेखक ये सोचता है उसकी पीड़ा को देख के काका, वो कहता है कि हाँ इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मशीनी युग ने हाथ काट दिए हैं, यानी रोजगार का काम बंद हो गया। जो हाथ से, हाथ काटना मुहावरा है, किसी का रोजगार छीन लेना, काम छीन लेना, यहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ और यही इसका केंद्र है एक तरह से। वो कहता है खैर, धीरे धीरे बात शांत हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि गाय भी वहां दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं गाय का क्या हुआ, कहता है बेटा वो तो 2 साल हुए पहले, वो बेच दी हमने, क्योंकि अब गाय के लिए चारा जुटाना भी एक समस्या है, उसको खिलाते कहाँ से। फिर ये भी देखते हैं तो जब गाय की बात आती है तो उसको आम भी याद आते हैं। वो कहता और इस साल आम की फसल कैसी हुई है काका, पूछते हैं हालचाल में, जैसे हम लोग बातचीत में ये सब पूछते हैं एक दूसरे से। वो कहते हैं हाँ आम तो हुआ है। तभी वो अपनी बेटी को आवाज़ देता है कि अरे मैं तो, वो सोचता है कि इसको खिलाना भूल ही गया। तभी वो कहता है कि अपनी बेटी को पुकारते हैं, और उसका नाम रज्जो है इसमें कहानी में, कि रज्जो बेटा जरा कुछ आम लेके आना, देखो लल्ला आए हैं, उनको खिलाएंगे। तो तभी उसकी बेटी आती है और वो एक डलिया में आम लेके आती है, काफ़ी आम काफ़ी अच्छे हैं। वो कहते हैं हाँ आम की फसल बहुत हुई है अब की बार। फिर कहता है कि वो पूरी डलिया उसके सामने रख देता, खाओ। कहते कि वो कहता कि अरे मैं इतने कहाँ खा पाऊंगा। तो यहाँ पे फिर बदलू काका एक हल्का सा मजाक करते हैं कि हाँ भाई तुम तो शहरी ठहरे ना, इतने कैसे खा पाओगे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो तुमसे चार गुने, इससे चार गुने खा जाता था, वो भी एक समय में। ये बातचीत चलती रहती है और हंसी मजाक के साथ साथ वो कुछ आम ले लेता है। लेकिन जब बदलू काका की बेटी रज्जो हाथ में 4-5 आम, अंजलि में लिखा हुआ है इसमें कि अपनी अंजलि में 4-5 आम रख के बढ़ाती है, तभी लेखक की नजर, या जो इसमें मैं है, ये जो पात्र है कहानी का, उसकी नजर उसकी गोरी गोरी कलाइयों में जो लाख की चूड़ियां थी उनके ऊपर जाता है। अर्थात रज्जो ने लाख की चूड़ियां पहनी हुई हैं और वो उसके हाथों पे बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेखक ने कहा फब रही हैं वो उसके हाथों पे। यहाँ पे भी एक चीज देखिए कि उस रज्जो के हाथों में चूड़ियां सुंदर लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी बदलू की नजर उस बात की ओर चली जाती है कि जो लेखक है वो कहीं उनकी बेटी के हाथों में जो चूड़ियां हैं लाख की उसको देख रहा है। और उस वाक्य बड़ा जोरदार है, मजेदार है, देखिए कि बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, कि लेखक कहां देख रहा है, कि उसकी नजर को उसने देख लिया कि ये लाख की चूड़ियों को देख रहा, दृष्टि देख ली। मैं बड़ा सुंदर लगा मुझे कि ये दृष्टि देख लेना भी, देखिए कितना सुंदर वाक्य है। और फिर वो कहता कि हाँ बेटा बस यही एक आखिरी जोड़ा है
जो मैंने बनाया था, और ये भी मैंने जो जमींदार थे उसकी बेटी की शादी के लिए बनाया था, लेकिन वो इसका दाम है वो बहुत कम दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि वो कुल मिला के 10 आने मुझे दे रहे थे, और मैं हिसाब लगा रहा था कि 10 आने का मतलब क्या। आज के समय जैसे हम उसकी गिनती लगा, 10 आने, 8 आने, 12 आने और उसके 60 पैसे लगभग, कि अगर इतना कम दाम मिल रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने वो जोड़ा दिया नहीं, और जमींदार से कहा कि नहीं आप शहर से ले आओ, और यही वो जोड़ा है वो अब उसकी बेटी ने पहन रखा है, जो कि एक तरह से आखिरी जोड़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये आखिरी जोड़ा शब्द भी बड़ा रोचक है, कि पूरी कहानी में ये बता रहा है कि अब काम लगभग बंद हो चुका है और ये आखिरी था। और अंत में फिर लेखक अपने बातचीत करने के बाद सोचता है कि घर की तरफ चला जाए, और वो घर अपने लौट आता है, लेकिन चलते चलते वो ये सोचता है और उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि बदलू काका ने काम बेशक बंद कर दिया हो, लेकिन उसके अंदर एक जिजीवसा है, जीने की इच्छा है, और वो अभी हारा नहीं है। वाक्य ये है कि लेखक कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वाक्य में पढ़ना चाहूंगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। ये हार कर भी हार ना मानना देखने वाली चीज है, और फिर उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात मेहनत कश जो मजदूर हैं, जो अपने हाथ से काम करते हैं, बेशक वो कहीं ना कहीं उनमें निराशा है, दुख है, व्यथा है, काम की बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। वो कांच की चूड़ियों की तरह से नहीं है कि वो इतनी जल्दी टूट जाए। और लेखक इस बात के साथ अपने घर चला जाता और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये तो वो कहानी है जो लेखक ने कही है सीधे सीधे, और मैंने कोशिश की कि आप लोगों से उस बातचीत के माध्यम से साझा किया जाए। लेकिन मित्रों, सवाल यही है कि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिनके सहारे खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़ी जनसंख्या को हाथ का काम मिला हुआ था, रोजगार था, उनकी आजीविका चल रही थी, वो कहीं ना कहीं मशीनी युग आने से, मशीनी पूरी की पूरी कहना चाहिए कि सभ्यता विकसित होने से वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। और यही इस कहानी में कहा गया है कि मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए हैं। ये कहानी हमें उस और भी लेके जाती है कि जरा हम अपने मूल उद्योगों के बारे में भी थोड़ा सोचें, ताकि एक संतुलन बना रहे। मित्रों, ये तो थी कहानी, और क्योंकि हम अपने स्कूली शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस कहानी के अंत में जो अभ्यास दिया हुआ है उसको भी देखें, और जब एक बार हम कहानी को ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो हमारे अनुभव का हिस्सा हो जाती है, तो फिर कहानी से जुड़े हुए सवालों पे बातचीत करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कहानी से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि भाई वो बदलू मामा क्यों कहते हैं, बदलू मामा को बदलू काका क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका कारण मैंने बताया था बातचीत में कि गांव में जो बच्चे बोलते हैं, अक्सर छोटे बच्चे वो उसी तरह से एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। दूसरा सवाल इसमें वस्तु विनिमय के बारे में है, तीसरा सवाल मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं इसके बारे में है, और हमने इन सारे पहलुओं पे बातचीत की है। इस कहानी को अगर आप खुद से पढ़ेंगे, इस बातचीत को सुनेंगे, तो आपका ये हल भी आसानी से निकल आएगा और आप इससे बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, कह पाएंगे। इसमें एक हमने कोशिश की है कि कहानी से आगे भी कुछ बातचीत की जाए, कि आप कोई कारीगरी का सीख सकते हैं, या ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ कहाँ बनती है, लाख कहाँ बनता है, ये भी जानने समझने की चीज़ है। और फिर एक पाठ का हिस्सा है पाठ के आगे, कि अनुमान और कल्पना हम लोग लगाएं कि हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है, जैसे इस कहानी में जब वो लेखक बदलू काका के यहाँ जाता है तो वो उसको मलाई खिलाते हैं, आम देते हैं, इसी तरह से हम कैसे किसी का अतिथि सत्कार करते हैं। साथ ही साथ गर्मी की छुट्टियों में या किसी भी छुट्टियों में हमें कहाँ जाना अच्छा लगता है, उसके अनुभव हम लोग लिखें, और हमारे खान पान में, रहन सहन में किस तरह का बदलाव आ गया, इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से इतनी सरल भाषा में आप, तो सीधे सीधे मैं कहूँ
कि आप अपने अनुभवों को लिखिए। आप गांव से शहर आते हैं, शहर से गांव जाते हैं, किसी पिकनिक पे जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, किसी तीज त्यौहार का वर्णन, किसी भी तरह का वर्णन आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं, किसी बदलाव को आप लिख सकते हैं। और एक चीज इसमें सारी किताब में भी आप देखेंगे, वो व्याकरण की बात अक्सर हम लोग करते हैं, और व्याकरण की बात को यहाँ कहा गया है कि हम व्याकरण को संदर्भ के साथ पढ़ाएं, संदर्भ जब पाठ में आए किस विषय का उसी से जोड़ के उसको पढ़ाएं। और ये भाषा की बात में ये बातचीत कही गई है, और जैसे इसमें एक उदाहरण दिया कि संज्ञा क्या है, कि संज्ञा पढ़ाने का एक सामान्य तरीका क्या है कि हम लोग विशेषता बताते हैं, उसकी परिभाषा ये नहीं। देखिए इसमें बदलू है, बदलू कहानी का पात्र है, बदलू एक नाम भी है, जनार्दन पात्र है, एक नाम भी है, इसमें नाम आया है और किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, ये नाम ही संज्ञा होता है। ये हमने अभ्यास में इसको जोड़ के बताया है। और हास्य व्यंग की बात भी मैंने की थी, व्यंग में क्या होता है, व्यंग में जो सामान्यतः कहा जाता है वो अर्थ नहीं होता, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ अर्थ होता है। कि जब हम किसी को महान कहते हैं तो वो जरूरी नहीं महान हो, वो मजाक भी हो सकता है। वो इस कहानी में भी, अरे शहर वालों की तो बात और है। तो ये इस तरह के वाक्य हैं, थोड़े हंसी मजाक के भी हैं। और एक अंतिम बिंदु इसका जरूर इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाषा में बोलने में सबकी क्षेत्रीय विविधता आती है, बोली का असर आता है, जो जिस क्षेत्र में होता है वो उसी के प्रभाव वाली बोली बोलता है। और इसमें भी बहुत सारे उदाहरण आए हैं, कोई वक्त को वक्त बोल रहा है, उम्र को उम्र बोल रहा है। तो ये आप इस पाठ के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अभ्यास कर सकते हैं। और एक चीज और अंतिम है ये, और वो ये है कि पाठ में जो नए शब्द आते हैं, जो पहली बार जिनसे हम लोग रूबरू होते हैं, उनको भी देखिए आप, उसकी शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। अन्यथा एक दो बार पढ़ेंगे तो आप उसका भाव धीरे धीरे खुलने लगेगा। इसलिए मित्रों, इस कहानी को पढ़ें, अपने अनुभव लिखें, हम अपनी कहानी बनाएं, हम अपनी संवेदना का विस्तार करें, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।